Hello everyone, welcome to Tech TV with Ranjan, presented by Unacademy and Advaita Education ANJ exams. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सेशन में हर बार गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। वैसे ही इसी सीरीज़ में आज फिर से एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। येस, दिस वैकेंसी हैज़ कम राइट अवे फ्रॉम SPMCIL। यस, SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर वैकेंसीज़ रिलीज़ की हुई है। डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ है और देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर ये जो वैकेंसीज रिलीज़ की हुई है इसमें आपको कैसे बेनिफिट होने वाला है। तो SPMCIL नासिक ने यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज़ की हुई है वेरियस पोस्ट के लिए। शुरुआत करते हैं इसकी डिटेल से, फ्रॉम सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग। ठीक है, मैं बता दूं एक बार जल्दी से इसको शुरू करने से पहले कि यहाँ पर जिन पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज़ की गई है वहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट्स, BTech कैंडिडेट्स सब एलिजिबल हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ये पूरा नोटिफिकेशन। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सा थिंग मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल है। बताता हूँ मैं पूरी वैकेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग के लिए। लेवल S1 27,600 से लेके 95,910 रुपये तक की सैलरी है। 10 पोस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल है, 10 सीटें यहाँ पर एप्लीकेबल इस पोस्ट के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग खासतौर पे, या फिर हायर क्वालिफिकेशन इन BTech या BSc इंजीनियरिंग प्रिंटिंग में, है ना, इंजीनियरिंग इन प्रिंटिंग जो है इसको भी कंसिडर किया जाएगा इसमें। 18 से 30 साल की यहाँ पे एज लिमिट है और मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट बात करूँ सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, 27,600 से 95,910 के बीच की सैलरी। पोस्ट यहाँ पर 2 है, अनरिजर्व के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है। फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या फिर हायर क्वालिफिकेशन आपका सेम स्ट्रीम से। 18 से 30 साल रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी के लिए एज लिमिट और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट सुपरवाइजर टेक्निकल की बात करें अगर, ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, सैलरी रेंज बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 2 है यहाँ पर। फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा या फिर आपने BTech परफॉर्म किया होगा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो भी आप एप्लीकेबल हैं इसके लिए। 18 से 30 साल यहाँ पर भी एज लिमिट उतनी ही मिलती है और ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस मैकेनिकल, सैलरी रेंज बिल्कुल सेम, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है यहाँ पर। अगेन या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम या फिर आपके पास BTech BSc होना चाहिए इन मैकेनिकल। 18 से 30 साल एज लिमिट, अगेन ऑनलाइन एप्लीकेशन। सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस की मैं बात करूं एयर कंडीशनिंग की, सैलरी रेंज बिल्कुल सेम है, 27,600 से 95,910। पोस्ट 1 ही है यहाँ पर और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास या तो एयर कंडीशनिंग में या फिर आपके पास BTech डिग्री होना चाहिए या BSc होना चाहिए इन एयर कंडीशनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18 से 30 साल एज लिमिट, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड के थ्रू ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सुपरवाइजर इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, सेम सैलरी रेंज, 1 पोस्ट है यहाँ पर। फुल टाइम या तो आपके पास डिप्लोमा हो इन्वायरमेंट में या फिर BTech, एज लिमिट स्टिल सेम। सुपरवाइज़र IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 4 सीटें हैं यहाँ पर, या तो आपके पास डिप्लोमा हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में या फिर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन BTech हो इन दैट रेलिवेंट स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस या IT से। 18 से 30 साल ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मोड में यहाँ पर सिलेक्शन होता है। और लास्ट में आता है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग या कंट्रोल। तो जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इसकी सैलरी रेंज है 18,780 रुपये से लेकर 67,390 रुपीज़। टोटल पोस्ट यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, 103 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इस 103 सीटों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास फुल टाइम ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज फ्रॉम NCBT या SCBT, ठीक है, इन प्रिंटिंग ट्रेड। ठीक है, प्रिंटिंग ट्रेड से होना ये ज़रूरी है यहाँ पर, ये बात बड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। या फिर फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। 18 से 25 साल है यहाँ पर एज लिमिट और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड से आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिसेबिलिटी और अलग अलग सेक्शंस के बारे में बताया हुआ है कि किस नॉर्म्स के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट डेटा की मैं बात करूं तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 26 नवंबर 2022 से लेकर 16 दिसंबर 2022 के बीच आप इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। फीस पे करने की भी डेट वही है 26 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच। टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो Jan-Feb 2023 है, यानी कि जनवरी या फरवरी 2023 में एग्जामिनेशन फॉर्म जो है एग्जामिनेशन होने की, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने की डेट आ सकती है। लिंक फॉर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स ये आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा www.cnpnashik.spmcil.com। इस वेबसाइट पर आप विजिट करिएगा, यहीं से आपको फॉर्म भी फिलअप करना है और यहीं पर आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं एडमिट कार्ड की। अपर एज लिमिट जो है रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर बताया हुआ है डिटेल में, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो 600 रुपये एग्जामिनेशन की फीस है फॉर अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स, जबकि SC ST PWD एप्लीकेंट्स नॉर्मली एग्जेम्प्टेड हैं फीस से, लेकिन फिर भी इन एप्लीकेंट्स को 200 रुपये पे करने होंगे एज अ इंटीमेशन चार्ज। सो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको मेरिट लिस्ट में आना होता है और जो भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जिस पैटर्न के हिसाब से वो यहाँ पर पोस्ट वाइज अलग से मेंशन किया है। जल्दी से इसके ऊपर व्यू डालते हैं। सबसे पहले देखिए सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के पोस्ट के लिए आपको सबसे पहले देखिए रिटन टेस्ट जो आपका होगा, टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, 120 मिनट का आपको समय मिलेगा और आप देख सकते हैं इसको 5 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेगमेंट है प्रोफेशनल नॉलेज आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड में, जिसके 40 सवाल होंगे, 40 मार्क्स होंगे, 25 मिनट में बनाना होगा आपको। जनरल अवेयरनेस अगेन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स का समय मिलेगा इसे बनाने को। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 25 मिनट का समय। LR लॉजिकल रीजनिंग इसके भी 40 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट का समय मिलेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 क्वेश्चन 25 मिनट्स का समय। तो सब कुछ मिला के 120 मिनट का समय आपको मिलता है, यानी कि 2 घंटे का समय और 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको। वैसे ही सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर TO इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी 200 क्वेश्चन रेलिवेंट फील्ड से, वैसे ही 40 क्वेश्चन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा ही, सारा कुछ बिल्कुल सेम। नेक्स्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर TO इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ सेम है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स आपके रेलिवेंट स्ट्रीम से होगा, प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन और बाकी सारा कुछ नॉन टेक्निकल पोर्शन एज इट इज़। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे का समय। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर TO मैकेनिकल एट S1 लेवल है ना, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारा कुछ सेम है, बस आपका प्रोफेशनल नॉलेज मैकेनिकल में होना चाहिए। तो रेलेवेंट स्ट्रीम में आपका प्रोफेशनल नॉलेज होना ज़रूरी है, ये इस पोस्ट के अंदर भी आपको दिखेगा, एयर कंडीशनिंग वाले में भी। और नेक्स्ट है सुपरवाइज़र इन्वायरमेंट, इसके लिए भी सेम कंडीशन। फिर बात करें अबाउट द सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे IT या कंप्यूटर साइंस आपके रेलेवेंट ट्रेड हो जाएगा और बाकी सारा कुछ एज इट इज़, वही 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 120 मिनट का समय। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ, जिसके लिए ITI जो था वो मैंडेटरी था, ITI रिक्वायर्ड था है ना, कंपलसरी क्वालिफिकेशन था। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो प्रोफेशनल नॉलेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का वेटेज रहेगा, आधे घंटे का समय मिलेगा इसमें। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और QA इंग्लिश का पार्ट यहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से आपका 120 क्वेश्चन ही होता है पेपर में, 120 मार्क्स और 120 मिनट का समय टोटल मिलता है, यानी कि 2 घंटे का समय। ठीक है, तो ये आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट क्रिएट होगा इस रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे, तब जाके उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट स्टेज में फर्दर प्रोसेस में आपका सिलेक्शन, जहां पर भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड होगा वहां पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपसे। बेसिक कट ऑफ जो है आपको, बेसिक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आप देख सकते हैं UR और अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 55% है, OBC कैटेगरी के लिए 50% है, SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ 45%। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से, ये वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है cnpnashik.spmcil.com। इसके अलावा एप्लीकेंट्स के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए हुए हैं। और एक बढ़िया सी चीज़ आपको मैं बता दूं जो हाईलाइटेड इस पॉइंट पे, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल नहीं है। तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी करके अच्छे से ऑप्ट कर सकते हैं आंसर्स को। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा इन 6 में से किसी भी सेंटर पर हो सकता है, नासिक, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR, कोलकाता, भोपाल, दिल्ली NCR या हैदराबाद, इनमें से किसी भी जगह पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। तो ये था इसका मेजर पूरा का पूरा डिटेल और इसकी सभी क्राइटेरिया। बाकी इसकी और डिटेल जानने के लिए, इसकी नोटिफिकेशन पूरी डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं cnpnashik.spmcil.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप पूरी की पूरी डिटेल, इसकी पूरी नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी तो फटाफट से इसके लिए अप्लाई करिएगा, बेस्ट वे में प्रिपरेशन करिए और बढ़िया से एग्जामिनेशन दिलाइए। ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।